हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के न्यू फीचर के बारे में, जो कि है प्राइवेट स्टेटस के बारे में। आप अपने व्हाट्सएप में प्राइवेट स्टेटस लगा सकते हो अपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन में। तो पहले आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, जिसके साथ आप किसी भी पर्सन को हाइड कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर एक पर्सन है उसको, अगर आप नहीं चाहते कि आपका स्टेटस उसको दिखाई दे, तो उस तरह से ये प्राइवेट स्टेटस का फीचर काम करता है। बिल्कुल नया लेटेस्ट फीचर है, व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। कैसे आपको ये फीचर देखने को मिलेगा और कैसे इसे यूज़ करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने आईफोन के ऊपर। तो किसी भी आईफोन में आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को अप टू डेट करना है। अगर आपकी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो कई आईफोन्स में ये फीचर अभी तक भी देखने को नहीं मिला है, बट मेरे आईफोन में ये फीचर काम कर रहा है और मेरे को देखने को मिला है। तो आपको सबसे पहले करना है कि व्हाट्सएप मैसेंजर को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के बाद आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चैट प्राइवेसी अकाउंट का ऑप्शन। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने स्टेटस में आ जाना है। स्टेटस में आने के बाद आपको यहाँ पर प्लस के बटन के ऊपर टैप करना है। प्लस के बटन के ऊपर टैप करने के बाद आपको कोई भी स्टेटस यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि मान लो कि मैंने इस वाले स्टेटस को यहाँ पर अपलोड करना है अपने आईफोन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ इस स्टेटस को। तो उसके बाद आपको डन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको एक नया बटन देखने को मिलेगा स्टेटस का। तो यहाँ पर स्टेटस बटन के ऊपर आपने टैप करना है। जैसे यहाँ पर टैप करोगे आपको हु कैन सी माई स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो उनको आपका स्टेटस दिखाई दे, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ ही बंदों को मेरा स्टेटस शो हो या एक या दो बंदों को आपका स्टेटस शो ना हो, तो उसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो सेकेंड वाली ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको इस बटन के ऊपर टैप करना है। जैसे यहाँ पर टैप करोगे थ्री डॉट्स के ऊपर, आपके सामने आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्टेटस है, ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने यहाँ पर इनको हाइड कर रखा है अपने व्हाट्सएप में, जिसके साथ ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे वो स्टेटस को नहीं देख सकते, इसीलिए मैंने इन्हें हाइड कर रखा है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे डन बटन के ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद इसे भी डन के ऊपर टैप कर देना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माई स्टेटस के ऊपर टिक लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको इसे कैंसिल करना है, उसे आपने अपलोड कर देना है यहाँ पर ब्लू बटन के ऊपर टैप करके। तो कुछ इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन में प्राइवेट स्टेटस यहाँ पर सेंड कर सकते हो। नया आपको पॉपअप देखने को मिल जाएगा, जो कि एक डायनेमिक आइलैंड की तरह देखने को मिलता है अपने आईफोन्स पे। तो कुछ इस तरह से ये फीचर काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका प्राइवेट स्टेटस जो है वो अपलोड हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।